नमस्कार दोस्तों, डी एस टेक गीगल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले कि यदि आप भी अपने SBI अकाउंट की नेट बैंकिंग है उसे यहां पर चालू करना चाहते हैं तो चालू कैसे कर सकते हैं। जी हां गाइस, आपने SBI अकाउंट की नेट बैंकिंग को अपने मोबाइल में चालू कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल से गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना, जिससे कि गाइस नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो सिंपल से गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस, आपको अपने मोबाइल में अपने प्ले स्टोर से गाइस यूनो SBI करके एक एप्लीकेशन होता है उसे डाउनलोड कर लेना होता है। तो गाइस मैंने इस एप्लीकेशन को पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है तो इसे ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि मैं इसे ओपन करता हूँ तो गाइस हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर गाइस कुछ टाइम के लिए गाइस आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। फिर हमारे गाइस हमारे सामने गाइस कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए गाइस, हमें दो तरह के कस्टमर पूछ रहा है, एक्सिस्टिंग SBI कस्टमर या फिर न्यू टू SBI। तो यहाँ पर गाइस यदि न्यू कस्टमर है आप तो न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और पहले से गाइस आपका अकाउंट है बहुत ही पुराना अकाउंट है तो यहाँ पर एक्सिस्टिंग SBI कस्टमर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते गाइस हमारे सामने कुछ इसी तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर गाइस हमें एक परमिशन मांगी जाए जिससे गाइस अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पर अपना सिम सेलेक्ट कर लेना होता है कि गाइस आपका कौन सा नंबर जो है वो आपके बैंक अकाउंट में गाइस ऐड है, रजिस्टर है, तो उस सिम कार्ड को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते गाइस हमें यहाँ पर फिर से एक परमिशन मांगी जाए जिससे गाइस आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है। जैसे कि आप एलो करते हैं तो गाइस हमारा देखिए गाइस, प्लीज़ वेट वाइल चेकिंग अवर सिस्टम फॉर योर मोबाइल नंबर। मीन्स गाइस जो हमारा मोबाइल नंबर है वो हमारे बैंक अकाउंट में ऐड है या नहीं है गाइस, तो वो यहाँ पर चेक कर रहा है। तो कुछ टाइम के लिए गाइस आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। जैसे गाइस आप यहाँ पर कुछ टाइम के लिए वेट करते हैं तो गाइस हमारा रजिस्टर है वो यहाँ पर कन्फर्म हो जाएगा। फिर गाइस आपको यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए गाइस, रजिस्टर फॉर यूनो विथ माई ATM कार्ड या फिर रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल। तो आप किस टाइप से आप अपना नेट बैंकिंग है उसे ओपन करना चाहते हो, तो सिंपल से मैं यहाँ पर ATM कार्ड से यहाँ पर ओपन करना चाहता हूँ तो ATM कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए गाइस, आपको अपना जो अकाउंट नंबर है उसे यहाँ पर फिलअप कर देना होता है। तो गाइस मैं अपना जो अकाउंट नंबर है उसे यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए गाइस, मैंने अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर दिया। अकाउंट नंबर फिलअप करने के बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिलअप कर देनी होती है। तो यहाँ पर देखिए गाइस, मैं अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसे यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। तो गाइस मैंने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसे यहाँ पर फिलअप कर दिया है। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर ऑफ बैंक स्टाफ, यदि गाइस आपके पास कोई नंबर है, मोबाइल नंबर है बैंक स्टाफ का, तो उसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो गाइस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप इस पर क्लिक करते हैं तो गाइस हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गाइस, हमारे मोबाइल नंबर पर जैसे ही कुछ OTP आए तो उसे गाइस आपको यहाँ पर फिलअप कर देना होता है। तो यहाँ पर देखिए गाइस, हमारे SBI से एक OTP आ गया है। तो सिंपल से गाइस मैं इस OTP को यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की साइड यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि गाइस आप यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो गाइस हमें यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर गाइस हमारा CIF नंबर है क्या है, हमारे बैंक अकाउंट में हमारा नेम क्या है, वो पूरा डिटेल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर तीन तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो इनमें से गाइस आपको कोई भी एक ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होता है। तो सिंपल से गाइस मैं यहाँ पर नीचे की साइड लास्ट वाले फुल वाले ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो गाइस हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर गाइस हमें ATM कार्ड का 6 डिजिट का ATM कार्ड नंबर पूछ रहा है लास्ट वाला। तो सिंपल से आपको अपने ATM कार्ड का जो भी सबसे लास्ट वाला 6 डिजिट का नंबर है उसे यहाँ पर फिलअप कर देना होता है। तो यहाँ पर देखिए गाइस, मैं अपने 6 डिजिट का जो भी लास्ट नंबर है उसे यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे गाइस आप यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो गाइस आपको यहाँ पर अपना ATM पिन भी यहाँ पर फिलअप कर देना होता है। तो गाइस मैं अपना ATM पिन है उसे यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। ATM पिन फिलअप करते गाइस हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। जैसे कि सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इस पर क्लिक करते गाइस हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। फिर गाइस मैं यहाँ पर अपना एक यूजर नेम यहाँ पर क्रिएट कर लेना होता है। तो गाइस मैं अपना जो एक यूजर नेम है उसे यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। तो गाइस जैसे कि मैं अपना एक यूज़र नेम यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। यूज़र नेम क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना होता है। तो जैसे कि मैं अपना जो एक पासवर्ड है उसे यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन में भी उसी सेम पासवर्ड को यहाँ पर फिलअप कर देना होता है। तो सिंपल से गाइस मैं अपना जो पासवर्ड है उसे यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन में भी यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ।
सेकंड वाले ऑप्शन पर फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए कि नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो कैसे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर कैसे मैं अपना पासवर्ड सेव करने को बोल रहा है, यदि कैसे अपना पासवर्ड और यूजर नेम यहाँ पर सेव करना चाहते हैं तो सेव भी कर सकते हैं। सिंपल से मैं यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, फिर कैसे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कैसे हमें यहाँ पर एम पिन सेट करने को बोल रहा है, तो सिंपल से आपको यहाँ पर सेट एम पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक 6 डिजिट का एक एम पिन सेट कर लेना होता है, जो कि कैसे आपको लॉगिन करने में आपको यहाँ पर आसानी करेगा गाइस। तो यहाँ पर कैसे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कैसे आपको अपना कॉन्सेंट पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप इस पर क्लिक करते हैं तो कैसे हमें अपना एम पिन सेट करने को पूछ लेता है गाइस। तो यहाँ पर कैसे आपको अपना जो एम पिन है उसे यहाँ पर फिलअप कर देना होता है। तो सिंपल से मैं यहाँ पर अपना एम पिन सेट कर लेता हूँ। एम पिन गाइस आपको यहाँ पर फिर से रीइंटर कर लेना होता है। रीइंटर करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो कैसे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP फिर से आ जाएगा। OTP को सिंपल से आपको यहाँ पर फिलअप कर देना होता है। तो जैसे कि अपना OTP फिलअप करते हैं, OTP फिलअप करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो कैसे आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर कैसे हमें यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो कैसे हमारे सामने हमारा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा गाइस। तो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए गाइस आपको यहाँ पर वेट कर लेना होता है। तो यहाँ पर देखिए गाइस हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। फिर कैसे हमें यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि हम यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो कैसे हमने जो भी हमारा एम पिन सेट किया था उस एम पिन को यहाँ पर फिलअप कर देना होता है। तो यहाँ पर देखिए गाइस मैं जो अपना एम पिन है उसे यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। एम पिन फिलअप कर देगी जो हमारा लॉगिन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर कैसे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर नीचे की साइड में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर 2-3 बार यहाँ पर क्लिक कर देना होता है। तो यहाँ पर देखिए गाइस मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर कुछ एडवर्टाइजमेंट शो कर रही थी वो सभी यहाँ पर कट गई है गाइस। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर ओपन हो गया है। तो यहाँ पर गाइस हम यदि आप अपना अकाउंट का जानकारी चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते गाइस आपके अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा है, कितना डिपॉजिट है, कितना विड्रॉ हुआ, वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा गाइस आप यहाँ से बैक आते हैं तो बैक आने के बाद आपको यहाँ पर कार्ड की भी डिटेल्स आपको चेक करनी है। तो यहाँ पर कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे गाइस आप यहाँ पर कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से गाइस आप अपना न्यू कार्ड यदि ऑर्डर करना चाहते हो कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस आपने कार्ड को यहाँ पर ब्लॉक करवाना चाहते हो ब्लॉक भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा गाइस यदि गाइस आप यहाँ पर बैक आएंगे तो यहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट चेक कर सकते हैं, लोन चेक कर सकते हैं, डिपॉजिट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस आपने यहाँ पर गाइस यदि कोई ऑर्डर बुक किया तो उस ऑर्डर की भी यहाँ पर डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से गाइज आपने SBI अकाउंट का नेट बैंकिंग अपने मोबाइल में ओपन कर सकते हैं गाइज। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइज, ताकि गाइज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। थैंक यू गाइज।